Hi everybody. Today we are going to discuss about the genital herpes, यानी कि गुप्तांग के ऊपर इन्फेक्शन का होना, चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो। तो जेनेटल हर्पीज जो है वो किसकी वजह से होता है और उसमें क्या होता है? देखिए, जेनेटल हर्पीज इज कॉज्ड बाई हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के जरिए ये इन्फेक्शन फैलता है। और ये जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, देखिए ये दो टाइप का होता है और मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि HSV1 वो 10% लोगों के अंदर मिलता है, लेकिन HSV2 जो है आपका 90% लोगों के अंदर देखने को मिलता है। मींस HSV अभी मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स का होता है, HSV1 एंड HSV2। HSV1 ये यूजुअली कॉजेज ओरोफेसियल इंफेक्शन बाय ओरल टू ओरल कॉन्टेक्ट या ओरल लेबियल कॉन्टेक्ट की वजह से ये अपीयर होता है या इंफेक्टेड होता है। दूसरा HSV2 यूजुअली कॉजेज एनोजेनाइटल इंफेक्शन, इनके जो जेनेटल ऑर्गन्स है वहां पर इंफेक्शन अपीयर करता है बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए, पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो होता है और वो पहले से इंफेक्टेड है उनमें से कोई भी एक, तो वो दूसरे को इंफेक्टेड कर देता है। तो वो किसके जरिए? HSV2 वायरस के जरिए जो है यहां पर, यानी कि HSV2 टाइप ऑफ वायरस के जरिए जो है आपका ये इंफेक्शन स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, ये जो वायरस है वो कैसे एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, यानी कि हम यहां बात कर रहे हैं जेनिटल हर्पीज की, तो HSV2 की बात कर रहे हैं हम, किस तरह से स्प्रेड होगा? जनरली थ्रू सेक्सुअल रूट फ्रॉम पार्टनर, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो रहा है और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये स्प्रेड होता है, यानी कि जो उनमें से कोई एक पार्टनर पहले से इंफेक्टेड है तो दूसरा भी इंफेक्टेड हो जाता है जेनेटल हर्पीज के जरिए। देखिए, जेनेटल हर्पीज जो है आपका, इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी एपिसोड जेनेटल हर्पीज, एक होता है फर्स्ट एपिसोड जेनेटल हर्पीज और एक होता है रिकरेंट एपिसोड जेनेटल हर्पीज। देखिए, इसमें प्राइमरी और फर्स्ट एपिसोड जो जेनेटल हर्पीज होता है वो तो होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए, पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होगा, लेकिन जो आपका रिकरेंट एपिसोड जेनेटल हर्पीज वायरस है या ये किसके जरिए फैलता है, ये आपका ऑलरेडी सेंसरी नर्व गैंग्लियन के अंदर पड़ा हुआ होता है इसका वायरस और वो रिएक्टिवेट हो जाता है, तब ये आपका रिकरेंट एपिसोड जो है वो आपका जेनेटल हर्पीज अपीयर होता है, जो पहले से सेंसरी नर्व गैंग्लियन के अंदर वायरस इसका पड़ा हुआ, यानी कि पहले कभी इंफेक्शन हुआ होगा, वो अपने उसने ट्रीटमेंट किया, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उसका वायरस जो है वहां पर पड़ा हुआ है, सेंसरी नर्व रूट गैंग्लियन के अंदर वो पड़ा हुआ है, तो जैसे ही उसको एटमॉस्फेयर मिलता है वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है और फिर जो है आपका रिकरेंट एपिसोड जेनेटल हर्पीज जो है वो आपका अपीयर हो जाता है। विच जेंडर मोस्ट अफेक्टेड, देखिए कौन सा जेंडर इससे ज्यादा अफेक्टेड होता है? देखिए, मेल ज्यादा अफेक्ट होता है देन फीमेल, औरतों के मुकाबले पर मर्द जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि औरतों के अंदर ये इंफेक्शन जो है वो सर्विक्स के अंदर पड़ा होता है, यानी कि यूट्रस का जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं वहां पर पड़ा हुआ होता है और जनरली देखने में आता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। कभी कभी वहां से डिस्चार्ज की कंप्लेंट जो है पेशेंट करती है कि मुझे वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स, देखिए क्लिनिकल फीचर यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, देखिए क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का, यानी कि जेनेटल हर्पीज है वो प्राइमरी एपिसोड का है या फर्स्ट एपिसोड का जेनेटल हर्पीज है या रिकरेंट का है। तो अगर प्राइमरी या फर्स्ट एपिसोड जेनेटल हर्पीज है तो उसमें कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं? देखिए, जेनेटल की बात हो रही है तो इट मींस ये आपका जेनेटल ऑर्गन्स के ऊपर अपीयर होता है, तो वहां पर क्या होता है, जेनेटल ऑर्गन्स के ऊपर जो गुप्तांग होते हैं उनके ऊपर जो है वो स्मॉल ब्लिस्टर्स की शक्ल में, जैसे चिकन पॉक्स के मैंने बताए थे आपको या हर्पीज के बताए थे आपको अपनी वीडियो में, हर्पीज जोस्टर की वीडियो में बताया था कि छोटे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, तो जेनेटल ऑर्गन्स पर
जेनेटल ऑर्गन्स पर जो है वो पेनफुल छोटे स्मॉल वेसिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, पेनफुल क्लोजली ग्रुप्ड, यानी कि एक जगह बहुत सारे जो है ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, छोटे स्मॉल वेसिकल्स जो है फॉर्म हो जाते हैं, जो बाद में रप्चर होकर आपका लीजन्स फॉर्म कर देते हैं और वहां पर गिविंग अपीयरेंस ऑफ ए व्हाइट प्लेक, वहां पर व्हाइट प्लेक सा बन जाता है सराउंडेड बाय ए नैरो जोन ऑफ एरिडिमा, यानी कि वहां की स्किन, उसके नीचे की स्किन जो है वो लाल सुरख हो जाती है, रेडनेस आ जाती है वहां पर, तो वहां पर जो है वो अपीयर हो जाते हैं और वेसिकल्स जो है फिर आपका क्या बताया मैंने आपको, वेसिकल्स सून रप्चर, वेसिकल्स जो है कुछ वक्त के बाद रप्चर हो जाते हैं टू फॉर्म मल्टीपल सुपरफिशियल इरोजन्स, यानी कि स्किन के ऊपर सुपरफिशियल इरोजन्स या अल्सर्स जो है वो आपका फॉर्म हो जाते हैं जो व्हाइट कलर के जो है आपको दिखाई देते हैं, फिर जो है वो ज्यादा इंफेक्शन फैल जाता है। साइट ऑफ लीजन्स, देखिए किन साइट्स पर ये लीजन्स मिलते हैं, किन साइट पर, किन जगह पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेनिटल हर्पीज की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर जो पेनिस है, पेनिस का जो आगे वाला पार्ट है टिप वाला पार्ट, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर एक स्किन होती है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। तो ये इंफेक्शन कहां पर होगा, ये मेल के अंदर आपका ग्लांस पेनिस पर, फोर स्किन पर, यानी कि जो स्किन है प्रीप्यूस या फोर स्किन पर, और कोरोनल सल्कस, यानी कि उसके ग्लांस पेनिस के ठीक पीछे की तरफ जो सल्कस होती है उसके ऊपर ये इंफेक्शन जो है वो आपका मौजूद होता है। और फीमेल्स के अंदर, इन फीमेल्स के अंदर जो है आपका लेबिया, यानी कि जो वल्वा पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, उसके लेबिया पर या सर्विक्स पर, यूट्रस का जो सर्विक्स होता है उसके ऊपर जो है ये देखने को मिलता है। और पेशेंट जो है कभी कभी कंप्लेंट करता है कि डिस्चार्ज आ रहा है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, या कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है फीमेल के अंदर। एसोसिएशन, यानी कि इस मर्ज के साथ साथ, जेनिटल हर्पीज के साथ साथ उसको क्या चीज फील देती है, पेशेंट को क्या चीज महसूस होती है, वहां पर फीवर उसको दिखाई देगा, बुखार होगा, प्रोमिनेंट हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, और आपका नॉन इंफ्लामेटरी इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि आपका इंग्वाइनल रीजन के जो लिम्फ नोड होंगे वो स्वाइल हो जाते हैं या एनलार्ज हो जाते हैं, ये इनको आप इससे पहचान सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशंस भी देखने को मिलती है। ये था आपका इन प्राइमरी एंड फर्स्ट एपिसोड जेनिटल हर्पीज के अंदर ये साइन सिम्टम मिलेंगे। इन रिकरेंट जेनिटल हर्पीज में, यानी कि जो इंफेक्शन पहले पड़ा हुआ था ठीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर रिएक्टिवेट हुआ उसका वायरस, उससे जो इंफेक्शन होता है उसको हम रिकरेंट जेनिटल हर्पीज का नाम देते हैं, यानी कि ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ एचएसवी लाइंग डोरमेंट इन सेंसरी नर्व गैंग्लियन, जो पहले से नर्व रूट गैंग्लियन के अंदर पड़ा हुआ है वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है और फिर अपना इंफेक्शन स्प्रेड करता है। लेकिन यहां पर यह बात होगी कि जो रिकरेंट होगा वो आपका ना ज्यादा सीवियर होगा ना ज्यादा पेनफुल होगा, तो और दूसरा उस साइट से थोड़ा सा पहले जहां पर पहले हुआ था, जहां पर जो है आपका प्राइमरी और फर्स्ट एपिसोड हुआ था उससे जस्ट पहले की तरफ जो है उसके लीजन्स वगैरह जो है वो आपका अपीयर होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अदर्स चीज क्या होगी कि प्रोडोम ऑफ बर्निंग सेंसेशन, यानी कि इंसान को उस साइट्स पर जेनिटल ऑर्गन्स पर उनके अपीयर होने से पहले, इंफेक्शन के अपीयर होने से पहले क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील होने लगेगी, फिर उसी तरह से स्मॉल ग्रुप वेसिकल्स फॉर्म होंगे, स्किन वहां की रेडनेस होगी और वहां पर जो है छोटे वेसिकल्स आपका पहली की तरह से ब्लिस्टर टाइप जो है आपका फॉर्म हो जाते हैं और फिर वेसिकल जो है आपका रप्चर हो जाते हैं, उसी तरह से रप्चर हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ना ज्यादा पेनफुल होते हैं और ना ज्यादा सीवियर होते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और जो है कोई स्कार या कोई निशान स्किन के ऊपर बाकी नहीं रहता है। और साइट्स जो है इसकी देखिए, इन प्रोक्सिमिटी टू साइट्स ऑफ प्राइमरी एंड फर्स्ट एपिसोड, उनके जस्ट पहले वो इंफेक्शन जो है वहां पर होगा। इस पे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इसमें सेकेंडरी इंफेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीज, देखिए जेनिटल हर्पीज में हम ट्रीटमेंट जो है दो तरीके से करते हैं। नंबर एक, काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ द विक्टिम या टू द पेशेंट,
एंड नंबर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए काउंसलिंग एंड एजुकेशन में हमें क्या करना है, यानी कि नंबर वन काउंसलिंग एंड एजुकेशन टू द पेशेंट या टू द विक्टिम, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का, यानी कि काउंसलिंग और एजुकेशन जो है ये ट्रीटमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और हमें उसको क्या क्या चीजें बतानी चाहिए, नंबर वन अवॉइडेंस ऑफ सेक्स टिल हीलिंग ऑफ लीजन्स, जब तक लीजन्स जो वहां पर फॉर्म हुए हैं वो ठीक ना हो तब तक वो सेक्सुअल एक्ट ना करें, इंटरकोर्स ना करें। नंबर टू प्रिजम्प्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स, अगर पहले से महसूस हो रहा है कि इसको एक परेशानी हो सकती है या ये वायरस से इंफेक्टेड है तो उसका पहले ट्रीटमेंट करें, अपने पार्टनर का पहले ट्रीटमेंट कराएं। नंबर सी एडवाइस ऑफ सेफ सेक्स, अगर करना भी पड़ता है, पहली बात तो है कि लीजन ठीक हो उसके बाद ही सेक्स करें, और ठीक होने के बाद भी सेफ सेक्स करें, यानी कि आप यूज करें कंडोम्स का, कंडोम्स वगैरह का आप इस्तेमाल करें, एंड एनकरेजिंग सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप, और उसको यह भी समझाएं कि वो एक ही पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि बदल बदल के करता रहेगा तो दोबारा से फिर इंफेक्शन हो सकता है, या हो सकता है जिसके साथ किसी दूसरे के साथ वो कर रहा है तो वो इन्फेक्टेड हो, तो इसलिए उसको एनकरेज करें, उसको समझाएं, उसकी इसलाह करें, उसको जो है आपका प्रेरित करें कि वो सिंगल पार्टनर रिलेशनशिप रखे, एक ही पार्टनर के साथ जो है आपका सेक्स करे। फॉलो अप टेस्टिंग ऑफ HIV, वक्त वक्त पर जो है वो कुछ टेस्ट जो है वो आपके कराते रहें, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस और VDRL हर तीसरे महीने एट 3 months, एट 3rd month उसके टेस्ट जो है वो आपका कराते रहें, एंड फर्दर इफ नेसेसरी, या फिर कभी अगर जरूरत हो रही है तो बीच में भी आप उसका टेस्ट करा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट में एलोपैथ के तौर पर आप उसको एंटीवायरल ड्रग्स दें, एंटीवायरल ड्रग्स दें, जैसे एसाइक्लोविर, आपका फेमसिक्लोविर, वेला साइक्लोविर, ये ट्रीटमेंट जो है आप उसका चलाएं। मैंने आपका हर्पीस जोस्टर वायरस में भी ट्रीटमेंट बताया था, तो वही ट्रीटमेंट तकरीबन इसमें भी चलता है। लेकिन अगर एसाइक्लोविर रजिस्ट करती है, जैसे कि HIV केसेज में देखा जाता है, यानी कि उसको जेनेटल हर्पीज भी है HSV की वजह से, और उसको जो है आपका HIV भी है, तो उस सूरत में आपका एसाइक्लोविर जो है वो आपका रजिस्ट कर सकती है, तो ऐसी सूरत में उसको फोस्कारनेट उसको इस्तेमाल कराएं। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर आप एक हमदर्द कंपनी की एक दवाई आती है, चटनी जैसी चीज होती है आपका, जिसको हम खमीरा मरवारीद कहते हैं, खमीरा मरवारीद, ये अगर आप इस एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ये चीज भी साथ साथ दे दे तो बहुत तेजी के साथ जो है आपका, बहुत जल्दी आपका इंफेक्शन जो आपका क्योर होगा, यानी कि आपका एंटीवायरल और उसके साथ साथ जो है हमदर्द कंपनी का यूनानी पैथी में आपका खमीरा मरवारीद, दिन में 4-5 मरतबा उंगली भरी और चाटी, उंगली भर के चटाते रहे, इससे आप उसको बहुत तेजी के साथ रिलीफ मिलेगा। हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर हर्बल ट्रीटमेंट हम यूनानी भी कर सकते हैं और आयुर्वेद भी कर सकते हैं। देखिए यूनानी के अगर आप इफ यू लाइक द यूनानी पैथी या यूनानी ट्रीटमेंट या इफ यू प्रिफर द यूनानी प्रिपरेशन देन यू कैन टेक खमीरा मरवारीद अलोंग विद द एसाइक्लोविर। इफ यू लाइक द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आपका गंधक रसायन 2 BD 2 tablets मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम गंधक रसायन, और अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा पाउडर आता है, अश्वगंधा चून अश्वगंधा या सफूफ अश्वगंधा आता है, तो ये आप जो है 1 चम्मच सुबह और शाम जो है पेशेंट को दीजिएगा। तो उसे इनिशियल में शुरुआत में आप ये ध्यान रखें कि आप एंटीवायरल ड्रग्स जरूर दें, एंटीवायरल ड्रग्स जरूर दें, और उसके साथ साथ जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूनानी पैथी पसंद करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं या होम्योपैथिक करते हैं। यूनानी पैथी अगर आप करते हैं, यूनानी मेडिसिन अगर आप लाइक करते हैं, तो उसमें आप खमीरा मरवारीद साथ में ले सकते हैं चटनी के तौर पर, दिन में 4-5 बार चटाएं, और अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन पर यकीन रखते हैं या पसंद करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को,
तो उसमें आप गंधक रसायन दो गोली सुबह दो गोली शाम, टू टेबलेट मॉर्निंग एंड टू टेबलेट एट इवनिंग। अश्वगंधा पाउडर यानी कि अश्वगंधा चूर्ण आता है, ये वैद्यनाथ कंपनी और डाबर कंपनी के आते हैं, और भी कंपनियों के आते हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टली देखने में आता है कि डाबर और वैद्यनाथ के अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। तो अश्वगंधा पाउडर जो है आपका एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम, उस पेशेंट को आप जो है एंटीवायरल ड्रग्स के साथ दे सकते हैं इनिशियली, बाद में आप जो है आयुर्वेदिक या यूनानी को कंटिन्यू रख सकते हैं। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक रस्टॉक्स 200 के नाम से एक मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट रस्टॉक्स इज द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी या होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर जेनिटल हर्पीज। रस्टॉक्स 200 जिसकी टू ड्रॉप्स ऑन द टंग, ओनली टू ड्रॉप्स ऑन द टंग डेली, दो ड्रॉप जबान पर डाल लीजिएगा रोजाना, तो ये काफी हद तक जो है इसमें फायदेमंद साबित होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जेनिटल हर्पीज। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड फ्रॉम दिस टॉपिक, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।